सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। बुलंदशहर में गंगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कागजों में सिमट कर रह गई। ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा गंगा में डाला जाता है गंदा पानी। अलीगढ़ में अन्नदाताओं पर कहर बनकर बरसी बारिश, बारिश में फसल हुई स्वाहा, तालाब में तब्दील हुआ जमीन। अमेठी में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल, पीएससी पर नहीं डॉक्टर फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहे स्वास्थ्य व्यवस्था। लखनऊ में वाणिज्यिक उत्पादों पर देवी देवताओं के चित्र पर प्रतिबंध की मांग, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने सदन में उठाई आवाज। गाजियाबाद में पार्टी के विलय पर बोले शिवपाल यादव, कहा समय आने पर ही पता चलेगा कि वो किसके साथ जाएंगे। गोरखपुर में जर्जर मकान गिरने से एक की मौत, 5 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में अपात्रों को बांट दिया प्रधानमंत्री आवास, पात्र मौत के मुंह में कर रहे गुजर बसर। प्रयागराज में बदमाश और पुलिस में मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, आरोपी के पास से अवैध तमंचा हुआ बरामद। संभल में अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने नहीं की युवक के खिलाफ कोई कार्यवाही। महाराजगंज में हत्यारों ने मृतक की पत्नी और मां सहित पूरे परिवार पर किया जानलेवा हमला, छावनी में तब्दील हुआ गांव। विवादों में आया सीएम योगी का अयोध्या में बना मंदिर, मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य पर लगा गंभीर आरोप। औरैया में हुआ रामलीला का आगाज, रामलीला शुरू होने से पहले एक दिन निकाली गई विशाल शिव बारात। मथुरा में बोरवेल में गिरे भेड़ को बच्चे के बचाने के कुएं में उतरे चाचा, भतीजे की दम घुटने से मौत। गाजियाबाद में सीट न मिली तो ट्रेन में बम की बात कहकर उतर गया शख्स, फिर दिल्ली से गाजियाबाद तक मचा हड़कंप। प्रयागराज में रामकथा के पात्रों को बनाते हैं मुखौटे को आकार दे रहे हैं निसार, गंगा यमुना तहजीब की जीती जागती मिसाल है निसार। सीतापुर में तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक के कारण मासूम की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में करोड़ों के भ्रष्टाचार की नई खुली पोल, अधिकारियों के लचर रवैये से परेशान पीड़ित, पीड़ित ने सीएम से लगाई गुहार। देवरिया में दिखा धक्का मार वाहन, बच्चे एवं पुलिस कर्मियों ने स्कूली वैन को मारा धक्का। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट में 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों आरोपियों पर एसपी ने किया था इनाम घोषित। अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, भारी बारिश की वजह से कई लोगों के आशियाने उजड़ते नजर आ रहे हैं।
हरदोई में राजबाहा कटने से फसले हुई जलमग्न, चिंतित किसानों ने नहर विभाग के अधिकारियों को मामले से कराया अवगत। सुल्तानपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घटना के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैदी वाहन को एसपी ने किया रवाना, पुलिस मुख्यालय से जनपद को उपलब्ध कराया गया वाहन। रायबरेली में डॉक्टर पर लगा गंभीर आरोप, डॉक्टर की लापरवाही से हुई युवती की मौत, युवती के भाई ने लगाया आरोप। बुलंदशहर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की गैंगस्टर जावेद की संपत्ति, पुलिस ने आवासीय प्लाट और कृषि भूमि को किया जब्त। रायबरेली में दो दिन पहले छात्र ने की खुदकुशी, एबीवीपी के छात्रों ने किया सड़क जाम, प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। औरैया में बाइक फिसलने से महिला सिपाही गंभीर रूप से हुई घायल, घायल महिला सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलिया में ओम प्रकाश राजभर को एक और झटका, बलिया में 25 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिया इस्तीफा। बुलंदशहर में धान की फसल में तबाही के सर्वे की मांग को लेकर भाग क्यों कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। चंदौली में खेत में अर्धनंग हालत में मिली युवती, युवती की नहीं हो सकी पहचान, पुलिस ने पहुंचाया जिला अस्पताल। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से थाना बना तालाब, थाने में शिकायतकर्ताओं को आवागमन में करना पड़ा परेशानियों का सामना। हमीरपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा हुआ स्थगित, अब 25 सितंबर को चित्रकूट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, एक दर्जन साथियों के साथ दबंग युवक के घर पर किया गया जानलेवा हमला। हमीरपुर में योगी जी के गड्ढा मुक्त दावे की विकलांग ने खोली पोल, गड्ढा युक्त सड़के के विरोध में बीच सड़क पर बैठा विकलांग, जमकर की नारेबाजी। हजरतगंज में ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। सीतापुर में आमने सामने मोटरसाइकिल व साइकिल में हुई जोरदार टक्कर, टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में शाते चोर पर ठाकुरगंज पुलिस का शिकंजा, पुलिस की गिरफ्त में आए मोहसिन रजा के पास से चोरी की गई 2 स्कूटी बरामद। उन्नाव में जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, मंत्री ने जिला कारागार का किया निरीक्षण। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, लखनऊ के मदेदगंज इलाके से अहमद बेग नदवी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में बाइक चोरी की घटना, सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, हॉस्पिटल के पास से शातिर चोर बाइक लेकर हुआ फरार। झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट पर गड्ढे में फंसी एम्बुलेंस, रेफर मरीज को दिल्ली ले जा रही थी। प्रतापगढ़ में युवती से गैंगरेप, हाईवे पर बेहोश मिली दोस्त ने 2 साथियों के साथ मिलकर की वारदात।
देशद्रोह के आरोप में नदवा पुलिस शिक्षक गिरफ्तार। पीएफआई का फंडरेजर अहमद बेग नदवी बहराइच से लड़ चुका है चुनाव। पीलीभीत में बर्थडे पार्टी में दलित युवक की गोली मारकर हत्या। पार्टी में गांव के युवक से हुई थी गाली गलौज, आरोपी फरार। कथित भूत को लेकर पुलिस ने दर्ज कराया केस। वाराणसी में सामने आया था वीडियो, शरारती तत्वों की तलाश जारी। प्रयागराज में युवती से छेड़छाड़ मामला, देर रात पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल, एसआरएन में भर्ती। सीतापुर में प्रिंसिपल ने डांटा तो 12वीं के स्टूडेंट ने दागी गोलियां। बैंक में लाया था तमंचा, नमस्ते क्या फिर फायर कर दिया। भदोही में डीएम और एसपी ने सुनी शिकायतें। जिले के थानों पर किया गया था थाना दिवस का आयोजन, तत्वानि निस्तारण के निर्देश। आजमगढ़ में बोले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, ईडी का नाम बदलकर इनको देखो रख देना चाहिए। प्रदेश में भय और खौफ का माहौल। लखीमपुर खीरी में विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। दुधवा टाइगर रिजर्व के संपूर्णा नगर में वन रेंज के स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मिर्जापुर में मोदी के क्षेत्र में अपना दल युवा पदाधिकारी को पिटाई, सरनाथ पुलिस ने बिना जांच भेजा जेल। बिजनौर में लगातार बारिश, नदियां उफान पर, हजारों बीघा फसल जलमग्न, सब्जियां हुई बर्बाद, घरों तक पहुंचा पानी। सीमा सुरक्षा के साथ अपराधियों पर रखी नजर। बलरामपुर में डीएम ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों का किया दौरा। बिजनौर में छात्राओं का वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। लाइक और कमेंट के लिए यूट्यूब पर करता था अपलोड। आगरा में नौकर ने किया 10 लाख का गबन, व्यापारी पर कार्रवाई, माननीय पर दबाव बनाने का आरोप। भदोही आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। डीएम ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। फिरोजाबाद में जमीन के लिए बड़े भाई की हत्या, कमरे में खून से लथपथ मिला शव। 6 बीघा जमीन पहले बेच चुका था। संत कबीर नगर में भाजपाइयों की सीओ से झड़प, डिप्टी सीएम पाठक के स्वागत को खड़े कार्यकर्ताओं को हटाए तो भड़के भाजपाई। संभल में नीतीश कुमार पर डॉक्टर बर का तीखा हमला, बोले मेरे किले पर हमला होगा तो बता दूंगा क्या हर्ष होगा, ये मेरा किला है। नहर की पटनी कटने से हजारों बीघा फसल जलमग्न, हाथरस में गांव के अंदर तक पहुंचा पानी, ग्रामीणों को गांव में डूबने का सता रहा है डर। बदायूं में इंस्पेक्टर एसएसआई समेत मुंशी सस्पेंड, महिला कांस्टेबल ने लगाया था बिरादरी का आरोप। लखीमपुर खीरी के पलियाशाह में विद्युत विभाग की छापेमारी, भुगतान जमा कराने की अपील, नहीं करने पर काट दी जाएगी बिजली। बलरामपुर में राप्ती नदी में कूदी महिला, डायल 112 के कर्मियों ने बचाई जान, पारिवारिक कलह से परेशान थी।
औरैया में सेंगर नदी का बड़ा जलस्तर, निगरानी बरतने के निर्देश। फसलें जलमग्न, चार साल बाद देखी जलस्तर में बढ़ोतरी। बदायूं में तालाब में मिला शव, हत्या का आरोप। रात में भाई भतीजे के साथ बाजरा की रखवाली करने गया था मेहरबान। बागपत में रेलवे अंडरपास में घुसा बरसात का पानी, स्थानीय लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की। 3 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर महिलाएं लगा रही स्टॉल, एक उत्पाद योजना के तहत महिलाओं को मिला मौका। हाथरस में डॉक्टर के घर सीबीआई की रेड, सुबह 8 बजे से चल रही है पूछताछ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा है मामला। हापुड़ में मुठभेड़ में बावनिया गैंग का बदमाश गिरफ्तार, चेकिंग के समय पुलिस पर की फायरिंग। बिजनौर में नकली ब्रश बनाने वाली फैक्ट्री में छापा, भारी मात्रा में नकली ब्रश बरामद, कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज। अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, फैक्ट्री में सो रहे 2 कर्मचारी घायल, मकान की छत गिरी, दीवारों में भी आई दरार। एटा में होने वाले महाराष्ट्र राज्यपाल का कार्यक्रम रद्द, भारी बारिश के चलते रद्द हुआ दौरा। महोबा के सदर विधायक का सदन में टाइम पास, मोबाइल में खेलते दिखे 3 पत्ती गेम, महिलाओं का चल रहा था सत्र। मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, आजमगढ़ में 2 मुकदमों में बांटे चल रहा था, रेकी का लूट की घटना को अंजाम देता था। भदोही में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत, इंदिरा मिल चौराहे पर मिला शव, दूसरी घटना में मोड़ स्टेशन पर ट्रेन से कटा युवक। फिलहाल के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।